जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, तिमाही परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं गणित का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूँ और इसका सलूशन भी लेकर आया हूँ। तो आपको मैं सलूशन दिखा दूँ कहाँ पर है, इसके बाद आपको पेपर दिखाता हूँ और पेपर ए टू जेड समझ में आएगा। इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप इसको देख कर जाओगे तो टॉप करोगे। चलिए सलूशन देख लेते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो आपका कक्षा 10 का ये सलूशन रहा। बहुत अच्छे से मैंने निकाला हूँ, ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का। ये आपको 2 अंकी प्रश्न का, इसके बाद ये देख सकते हो 77, ये 4 अंकी, ये 5 अंकी पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देख सकते हो आगे का बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर से निकाला हूँ, जो कि आपको अंत तक देखना होगा और इसको तैयार करना होगा। ये देख सकते हो पूरा उत्तर इस वीडियो में मिलेगा, जो कि लास्ट तक देखना होगा। आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट तक सिर्फ वीडियो देखना है। ये देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलेगा पूरा ए टू जेड सोल्यूशन निकाला गया है। ये देख सकते हो 11 का उत्तर, ये पूरा अच्छे से निकाला गया है। इसके बाद इसको आप तैयार कर लेना। मैं चलिए आपको पेपर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो 5 से निकाला गया है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे। ये देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आपको पेपर दिखाता हूँ, इसके बाद आपको उत्तर दिखाता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित का पेपर है और इसका मैं सलूशन भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो 1-1 अंक 6 क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कक्षा 10 गणित का पेपर है, 14 और 16 का SCF होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको 2 होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यदि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान होगा। तो ये आपको क्या होगा, तो इसका आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यदि इसका मैं 3 नंबर का लगा देता हूँ, 3 का B नंबर कोई हल नहीं होगा। इसके बाद 4 नंबर देख सकते हो, 4 का आपका हो जाएगा आपका A नंबर 0। इसके बाद 5 का देख सकते हो, 5 का आपका C नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सामने देखता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा 6 नंबर, 6 का आपका राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान में मैं बता दूँ, 4 ऋण 3 1 खाली स्थान संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है, तो कितनी होती है, तो आपको 2 होती है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो समीकरण, इसमें आपको 5 राइट आंसर हो जाएगा, 5 + 16 5। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर 4 का राइट आंसर आपका द्विघात हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देख सकते हो, 5 का आपका बराबर हो जाएगा। 5 का आपको बता दूं यहाँ पर समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसके बाद इसका आपको बराबर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको भी बता दिया। इसके बाद 77 देख लेते हैं। 77 आपको करना क्या है, यहाँ पर उत्तर लगाना है। तो यहाँ पे 1-1 अंक आपको देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले का आपका 7 हो जाएगा, दूसरे का आपका 7 हो जाएगा, तीसरे का 7 हो जाएगा, चौथे का भी 7 हो जाएगा, 5वें का 7, 6वें का 7। इस तरीके से आप इसको लगा लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने चलता हूँ। ये देख सकते हो सही जोड़ी आपको लगाना है। सही जोड़ी आपको पहले का देख सकते हो, पहले का आपका 81 हो जाएगा, पहले का 81 और दूसरे का आपका D नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद आप 3 नंबर देख सकते हो, 3 का आपका हो जाएगा E नंबर। इसके बाद 4 नंबर देख सकते हो, 4 का आपका हो जाएगा F नंबर। 5 का आपका हो जाएगा G नंबर और यहाँ पर 6 का देख सकते हो, तो 6 का समरूप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 शब्द आएगा, आपको उत्तर लिखना है, तो आपको इसको भी देख लेना है। तो यहाँ पे 1-1 अंक के 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभवांतर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसको बताना है, तो मूल वास्तविक होगी। इसके बाद आप AP 579 खाली स्थान का में पदों की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो इसका उत्तर में 40 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर देख सकते हो, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये नहीं। इसका द्विघात बहुपद 1x² + 7x + 10 के शून्यकों के योग कितने होंगे, तो यहाँ पर कोष्टक में 2.5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रैखिक समीकरण, इसको आपको समीकरण है तो इसको -1 हो जाएगा, मैं सीधे बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पर समीकरण लिखना है, तो इसको भी आपको वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको क्या करना है, इसको स्क्रीन शॉट लेना है। 7 नंबर संख्या 312 और 7 का LCF ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर वीडियो के अंत में मिलेगा। 7 नंबर देख लेना है, 8 नंबर देख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर है, इस सभी का उत्तर वीडियो के अंत में मिलने वाला है। इसका 9, 10 ये सभी को स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 11 नंबर और 12 नंबर। इसके बाद आप ये रहा 13 नंबर, 14 नंबर पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद 15,
16 रहा, इसके बाद 17 रहा, या 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 तक बता दिया। चलिए अब आपका दिखाता हूँ सोल्यूशन। तो फाइनली अपना यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हो, आपको सोल्यूशन यहाँ पर तैयार कर लीजिए, आपको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये पहले का आपका सोल्यूशन रहा जो कि ऑब्जेक्टिव था, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर 70 देख लीजिए, वैसे मैं यहाँ पर तो टिक लगा ही दिया था, 6 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। 4 अंक प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको 6 अंक कम्प्लीट हो जाएंगे, स्क्रीन शॉट लेते जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर 5 नंबर देख सकते हो, यहाँ से भी आपको स्क्रीन शॉट लेते जाना है। इसके बाद इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है, बहुत बारीकी से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ये सभी आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। 6, इसके बाद 7 देख सकते हो, 7 देख लो। इसके बाद 8 नंबर रहा, और ये 8 के बाद ये आगे का रहा। इसके बाद 9 नंबर, इसके बाद 10 नंबर रहा, इसके 10 के बाद 11, इसके बाद 10 नंबर, इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिए, इसको स्क्रीन शॉट लेकर, मैंने पूरा जल्दी जल्दी बता दिया, 14 तक आ गया, तो इसको स्क्रीन शॉट लेते चलिए वीडियो रोक रोक के। ये देख सकते हो 17 नंबर रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहा 19, ये आगे करा। इसके बाद 20, ये आगे का, ये 21, तो विद्यार्थियों आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। 22 है, इसके बाद 22 का दे रहा आगे का, ये 23 रहा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, मैंने ए टू जेड बता दिया, आप स्क्रीन शॉट ले लेके याद कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जाएंगे।